नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी के बारे में? द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, जानिए इस वीडियो के दौरान। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म आग से हुआ था। पंचाल नामक जगह पर राजा थे द्रुपद, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ कराया, जिस यज्ञ के दौरान द्रौपदी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि पांडवों के साथ उनका विवाह भी हुआ, पाँचों पांडवों के साथ हुआ था, जिस कारण उन्हें पाँच पुत्र भी प्रदान हुए। लेकिन द्रौपदी अभी तक आजीवन कुंवारी ही हैं, क्योंकि उनके जो पांचों पुत्र हैं वो पंडितों के आवाहन से ही हुए थे। द्रौपदी का जन्म किस कारण से हुआ? जो पंचाल के राजा द्रुपद थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वह चाहते थे कि उनके कोई बेटा हो जाए, ताकि वह उनका शासन संभाल सके। लेकिन कारणवश द्रौपदी का जन्म हुआ, क्योंकि द्रोण से उनका मनमुटाव था। उन्होंने आधा राज्य जीत कर द्रोण को दे दिया, फिर भी उन्हें ये वरदान नहीं मिला। बदले की भावना। राजा के मन में एक बदले की भावना थी। उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ करवाया ताकि उन्हें पुत्र हो सके, लेकिन वह पुत्र ना होकर द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी के जन्म के साथ उनका एक पुत्र भी हुआ था, जिस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था। जब द्रौपदी का जन्म हुआ था, तब एक आकाश में आकाशवाणी हुई कि ये कुरु वंश का पतन का कारण भी बनेगी। महाभारत जैसे काव्य में द्रौपदी की खूबसूरती का बहुत ज़्यादा विवरण दिया गया है। कहते हैं द्रौपदी की आंखें बहुत ही सुंदर थी और हर कार्य में दक्ष भी थी। कहा जाता है जब वह द्रौपदी निकलती थी तो उसके पास उसके शरीर से नीले कमल की खुशबू आती थी। द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया जा रहा था, को आमंत्रित किया था, लेकिन अज्ञातवश पांडवों को भी यह आमंत्रण मिल गया था। द्रुपद ने अपनी पुत्री यानी कि द्रौपदी का विवाह यानी स्वयंवर रचा, जिसमें उसने धनुष की प्रतियोगिता रखी थी। उसने कहा जो इस धनुष प्रतियोगिता में जीतेगा उसे द्रौपदी का हार या फिर उसे उपहार में द्रौपदी ही मिलेगी। सर्वोत्तम धनुधर। राजा चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक सर्वोत्तम धनुधर से रखें, इसलिए उन्होंने स्वयंवर के टाइम पर प्रतियोगिता में धनुधर ही मान्यवर रखी। उन्होंने कहा जो इस तीर को निशाने पर लगाएगा वह मेरी पुत्री का पति बनेगा। अज्ञातवश जब पांडव भोजन करने के लिए गए थे तो अज्ञातवश वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी पहुंच गए थे। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने तीर निशाने पर लगाया और निशाने पर लगाने पर द्रौपदी से उनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद वह घर आए। घर आने पर कुंती ध्यान में बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं धनुधर से एक चीज़ जीत कर लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा तो आपस में सारे भाई बांट लो, और इस कारण से द्रौपदी को पांचों पांडवों में बंटना पड़ा। उत्तराधिकारी। जब पांडवों का प्रवास हुआ तो द्रौपदी भी उनके साथ ही रहती थी। फिर वह हस्तिनापुर वापस चली गई। हस्तिनापुर जाकर वह पांडवों के साथ ही रही, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। कौरवों का पुत्र क्षण उनका मजाक उड़ाया करता था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी, यह तो आपने महाभारत में सुनाई है, और जो सुंदरता पांडवों के लिए जी का जंजाल बनी। कहा जाता है कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी तो जिस वजह से उनके देवर यानी कि दुर्योधन की उन पर बहुत बुरी नज़र थी, जिस वजह से वह पहली स्त्री थी जिन्होंने स्त्रीवादी का यानी कि खुलकर बोलने का विचार सबसे पहले रखा था। जब कौरवों ने उन पर उंगली उठाई तो उस उंगली का जवाब उन्होंने अपने मुँह से खुद बोलकर ही कहा था। कहा जाता है द्रौपदी के पांच पति थे जो पांडव थे। पांडवों को पति की तरह ही सम्मान दिया जाता था, सबकी पूजा भी करती थी। द्रौपदी में वह गुण थे जो उसके गुण समाज में उसे सम्मानजनक देखा जाता था। कहते हैं कि वह अपशब्दों को भी सुनकर भी रह जाती थी। ऐसे ऐसे अपशब्द उन्होंने सुने, जैसे कि भरी सभा में कर्ण ने उन्हें चीरहरण के दौरान वैश्या तक भी कह दिया था। ये कारण थे कुछ ऐसे जिससे पता चलता है कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ और महाभारत में उनकी क्या भूमिका थी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।